Hello everyone, in this video we will do some important previous year questions of SQL that can come in 3 marks in exam. So let us start with the first question. Based on the SQL table car underscore sales, इस टेबल का नाम है car underscore sales, या आप simply इसको car sales भी बोल सकते हो. Register table queries for the following, आपको इस टेबल से रिलेटेड क्वेरीज के लिए आंसर करना है. फाइन, तो फर्स्ट क्वेरी आपकी क्या है, डिस्प्ले फ्यूल वाइज. यहाँ पे आपका कॉलम है फ्यूल, यहाँ पे आपको फ्यूल की अकॉर्डिंग क्या करना है, एवरेज सेल फाइंड आउट करनी है इन द फर्स्ट क्वार्टर. फर्स्ट क्वार्टर में क्या दी हुई है, ये फर्स्ट क्वार्टर की सेल है, ये सेकंड क्वार्टर की सेल है. फाइन, तो आपको फ्यूल वाइज एवरेज सेल निकालनी है फर्स्ट क्वार्टर की. तो फ्यूल वाइज हमें क्या करना होगा, फ्यूल की ग्रुपिंग करनी होगी, राइट. तो यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज का यूज होगा फॉर द कॉलम फ्यूल. ओके, तो क्या कमांड आप लिखोगे, सिलेक्ट फ्यूल, फ्यूल कॉलम को आपने लिया, एवरेज क्वार्टर वन, क्योंकि आपको क्वार्टर वन सेल्स कॉलम की एवरेज निकालनी है. ठीक है, फ्रॉम कार अंडरस्कोर सेल, यहाँ पे कार अंडरस्कोर सेल आपके टेबल का नेम है, राइट, ग्रुप बाय फ्यूल, राइट. तो यहाँ पे ग्रुपिंग किसकी हेल्प से करनी है, आपको फ्यूल कॉलम की ग्रुपिंग करनी है. तो देखो ये कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे जो पेट्रोल है, राइट, उसका एक कॉलम बन जाएगा और डीजल है उसका सेकंड कॉलम बन जाएगा. तो पेट्रोल में जितनी भी सेल्स है वो एक कॉलम में आ जाएगी, डीजल में जितनी भी सेल्स है वो एक कॉलम में आ जाएंगी. अलग अलग कॉलम्स में हो गई ये डिवाइड. अब देखो पेट्रोल की जो सेल हुई है क्वार्टर वन में उसकी एवरेज निकल के आ जाएगी, राइट, और डीजल की जो सेल हुई है उसकी एवरेज निकल के आ जाएगी. फाइन, तो यहाँ पे एक एक ग्रुप का एक एक रिजल्ट निकल के आ जाएगा, पेट्रोल की एवरेज सेल इन क्वार्टर वन एंड डीजल की एवरेज सेल इन क्वार्टर वन, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले सेगमेंट वाइज हाईएस्ट सेल्स इन द सेकंड क्वार्टर. आपको सेकंड क्वार्टर में हाईएस्ट सेल निकालनी है सेगमेंट वाइज. तो यहाँ पे आप सेगमेंट वाइज के लिए आपको ग्रुपिंग करनी होगी अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट, राइट. तो आप क्या कमांड लिखोगे, सिलेक्ट सेगमेंट, आपने सेगमेंट लिया, ओके, और आपको हाईएस्ट सेल निकालनी है. तो आप मैक्स फंक्शन का यूज करोगे, राइट, मैक्स क्वार्टर टू फ्रॉम कार सेल्स. यहाँ पे कार सेल्स क्या है, आपकी टेबल का नेम, ग्रुप बाय सेगमेंट. अब देखो अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट क्या होगा, ग्रुपिंग हो जाएगी, राइट, अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट ग्रुपिंग हो जाएगी. और ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग, सेगमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनकी क्वार्टर सेल्स की भी ग्रुपिंग हो जाएगी, राइट. क्वार्टर सेल्स की ग्रुपिंग होने के बाद अब क्या होगा, विद इन अ ग्रुप मैक्सिमम जो हाईएस्ट सेल है वो निकल के आ जाएगी. फाइन, नाउ वी हैव नेक्स्ट, डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ सेल्स इन द सेकंड क्वार्टर. अब आपको सेकंड क्वार्टर की सेल को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है. तो यहाँ पे हम ऑर्डर बाय क्लॉज का यूज करेंगे. क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कार सेल्स, सिलेक्ट स्टार हमने लिया है कंप्लीट डेटा को, कंप्लीट टेबल को डिस्प्ले कराने के लिए, राइट. ऑर्डर बाय क्वार्टर टू, क्वार्टर टू की सेल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको डिस्प्ले कराना है. और किस फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो आपने DESC कीवर्ड को यूज किया है. अगर आप सिंपली ऑर्डर बाय क्वार्टर टू लिख दोगे तो जो सेल है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, राइट. तो यहाँ पे आपको DESC कीवर्ड लगाना पड़ेगा डिस्प्ले कराने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में. फाइन, now we have second question, predict the output of the following queries based on the table car sales given below, right. अब आपको क्या करना है, आपको queries दी जाएंगी और आपको उनका output बताना है. fine, तो यहाँ पे देखो select left, left function का use हुआ है, right. segment, segment column यहाँ पे लिया गया है और two, तो ये क्या कह रहा है, लेफ्ट से टू टू करेक्टर्स यहाँ पे ये डिस्प्ले कराएगा. लेफ्ट सेगमेंट कॉलम में लेफ्ट से टू करेक्टर को डिस्प्ले कराएगा फ्रॉम कार सेल्स. कार सेल टेबल का नेम है वेयर फ्यूल इक्वल टू पेट्रोल. एक कंडीशन भी दी गई है, सिर्फ वही सेगमेंट का सिर्फ वही वैल्यू लेनी है जहां पे फ्यूल क्या है, पेट्रोल. तो ये वाली आएगी वैल्यू पेट्रोल, राइट. तो दिस वन, देन हेयर पेट्रोल, तो SUV दिस वन एंड देन हेयर पेट्रोल दिस वन, राइट. और इनके कितने कितने करेक्टर्स आएंगे, इनके दो दो करेक्टर आएंगे. तो यहाँ पे आपका आ गया CO MU SU एंड SE, राइट. तो अगर आप आउटपुट लिखोगे तो आपको देखना है कि आपको आउटपुट कैसे लिखना है. लेफ्ट, अब यहाँ पे लेफ्ट सेगमेंट टू आप दे सकते हो एज अ हेडिंग, लेफ्ट सेगमेंट टू, और यहाँ पे आप अपना आंसर दे सकते हो. फाइन, ये आपने इसका आउटपुट दे दिया है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी, सिलेक्ट क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन. यहाँ पे क्वार्टर टू
माइनस क्वार्टर वन है, ओके, डिवाइडेड बाय टू। तो पहले आपको क्वार्टर टू लेना है, माइनस करना है उसे क्वार्टर वन से। लेकिन अब आगे देखो क्या, और इस कॉलम का नेम आप क्या रखोगे, जो आउटपुट आएगा उसका नाम आप रखोगे एवरेज सेल। आउटपुट का नाम आप क्या रखोगे, एवरेज सेल फ्रॉम कार अंडरस्कोर सेल्स टेबल वेयर सेगमेंट इक्वल्स टू एसयूवी। तो आपको सिर्फ इन दो कॉलम का निकालना है, ठीक है। इन दो कॉलम का कैसे निकालना है एवरेज, आपको आपको इनकी लेनी है क्वार्टर टू की वैल्यू माइनस क्वार्टर वन की वैल्यू, ये आपको करना होगा, ठीक है, तभी रिजल्ट आएगा डिवाइडेड बाय टू, राइट। यहाँ पे फिर आपको क्वार्टर टू की वैल्यू माइनस क्वार्टर वन की वैल्यू डिवाइडेड बाय टू, एंड हियर यू विल राइट योर आंसर लाइक दिस, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, राइट MySQL स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। आपको MySQL स्टेटमेंट लिखनी है, ओके, क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। टू क्रिएट अ डेटाबेस नेम्ड फूड, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम क्या हो, फूड हो, राइट। ये वेरी सिंपल कमांड है, आपने 11th क्लास में किया, क्रिएट डेटाबेस फूड, राइट। ये आपका, इससे क्या होगा, फूड नेम से डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ओके। नाउ टू क्रिएट अ टेबल न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, आपको एक टेबल क्रिएट करनी है न्यूट्रिएंट्स नेम से जिसके अंदर कौन से आप स्पेसिफिकेशन यूज करोगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके दो कॉलम होंगे, फूड अंडरस्कोर आइटम एंड कैलोरी, ओके। फूड अंडरस्कोर आइटम का होगा डेटा टाइप वेरकेट 20 एंड कैलोरी का होगा इंटीजर। और जो फर्स्ट कॉलम है वो होगा फूड अंडरस्कोर आइटम, आपने प्राइमरी की बनाया है, राइट। आपको टेबल बनानी आती है, आपने 11th क्लास में सीखी है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम न्यूट्रिएंट्स, ओके। अब आप कर ली, आप दोगे सर्कुलर ब्रैकेट्स में नेम, राइट। यहाँ पे नेम दे दिया है, बट नेम नहीं देना था, यहाँ पे फूड अंडरस्कोर आइटम देना है इसका नाम, फूड अंडरस्कोर आइटम वेरकेट 20 प्राइमरी की, ठीक है। यहाँ पे नेम की जगह आप दोगे फूड अंडरस्कोर आइटम वेरकेट 20 प्राइमरी की कोमा, अब नेक्स्ट कॉलम आप दोगे कैलोरीज और इंटीजर, राइट। और आप सर्कुलर ब्रैकेट्स को किससे एनक्लोज करोगे, आप यहाँ पे सेमी कॉलम लगाओगे इन द एंड, ये आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी न्यूट्रिएंट्स नेम की, फाइन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 हियर, राइट आउटपुट और राइट आउटपुट फॉर एसक्यूएल क्वेरीज 1, 2, 3 विच आर बेस्ड ऑन द गिवन टेबल परचेज। आपको आउटपुट लिखना है, ये आपको टेबल दी गई है यहाँ पे परचेज नेम से, फाइन। नाउ सिलेक्ट लेंथ, लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है सी नेम, सी नेम लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम परचेज वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 100, ओके। जहां पे क्वांटिटी ग्रेटर है 100 से, ठीक है, वहां पे आपको सी नेम की लेंथ निकालनी है। तो एक तो हमारा 150 की निकलेगी, बाकी किसी की नहीं निकलेगी, तो हमारा जो फर्स्ट सी नेम है, फाइन, उसकी ही निकलेगी लेंथ। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करेक्टर्स है, तो आपका आंसर आ गया 8, ओके। नाउ सेकंड क्या है, सिलेक्ट, आप देखो यहाँ पे आप काउंट कर लोगे नंबर ऑफ करेक्टर्स, ओके। नाउ सेकंड क्या है, सिलेक्ट सी नेम फ्रॉम परचेज, आपको सी नेम डिस्प्ले कराना है कॉलम, राइट, फ्रॉम परचेज वेयर मंथ, मंथ डीओपी, डीओपी आपका क्या है कॉलम, आपने उसमें मंथ निकालना है, जहां पे मंथ क्या है 3 है, तो यहाँ पे आपका मंथ कहीं पर भी 3 नहीं है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इट विल नॉट गिव यू आउटपुट, तो इसका आंसर हो गया नो आउटपुट, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी मंथ 3 है ही नहीं, कंडीशन ट्रू हो ही नहीं रही है, ओके, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ओके। नाउ नेक्स्ट सिलेक्ट मोड क्वांटिटी, ठीक है, आपको यहाँ पे मॉड्यूलस निकालना है, मॉड्यूलस क्या होता है, ये आपका फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर जो रिमाइंडर आएगा, राइट, उसको बोलते हैं आप मोड, राइट, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्या निकालते हैं, आपका रिमाइंडर निकालता है, फाइन। तो यहाँ पे क्वांटिटी कॉलम आपका आएगा डिवाइडेड बाय डे, और डे के अंदर सॉरी डिवाइडेड बाय डे, अब यहाँ इसमें डीओपी कॉलम का आपको डे निकालना है, ठीक है, फ्रॉम परचेज, परचेज टेबल का नाम है वेयर सिटी इक्वल्स टू डलहौजी। तो डलहौजी आपको पहले देखना है कहाँ पे है, सिटी आपकी डलहौजी यहाँ पर है, राइट, तो आपका क्वांटिटी होगी इसके अंदर 100, ओके, एंड डे, डे आपका हो गया यहाँ पर 4, राइट, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0, 100 डिवाइडेड बाय 4, राइट, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 0, ओके, ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, फाइन, ओके।
Now we have next question. Wait on the table student given here. यहाँ पे आपको student table दी गई है. Write the table SQL queries for the following. Okay, आपको SQL queries यहाँ पे लिखनी है. सबसे पहले क्या है? Display gender wise. Gender wise यहाँ पे gender दिया हुआ है. Highest marks. अब जेंडर के अकॉर्डिंग आपको ग्रुपिंग करनी है. ओके, एंड हाईएस्ट मार्क्स बताने हैं कि मेल में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, फीमेल में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं. ठीक है, तो आपने क्या किया, सिलेक्ट मैक्स, क्योंकि आपको हाईएस्ट मार्क्स बताने हैं. राइट, और इसके अंदर आप क्या डालो, आप क्या पास करोगे, मार्क्स कॉलम. राइट, सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट टेबल का नेम है ग्रुप बाय जेंडर. फाइन, तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप मेल का बन जाएगा, एक ग्रुप फीमेल का बन जाएगा. मेल के ग्रुप के सारे मार्क्स राइट मेल के कॉलम में चले जाएंगे, ग्रुप में चले जाएंगे. फीमेल ग्रुप के मार्क्स फीमेल के ग्रुप में चले जाएंगे. और हमने यहाँ पे जो ये एग्रीगेट फंक्शन लगाया है मैक्स मार्क्स, राइट, इसकी हेल्प से क्या होगा, ग्रुप वाइज मेल का मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा कि किस मेल का मैक्सिमम मार्क्स कितना है मेल का, ऐसा ही फीमेल का मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा. फाइन, नाउ डिस्प्ले सिटी वाइज. सिटी वाइज तो यहाँ पे हम सिटी से ग्रुपिंग करेंगे. सिटी वाइज लोएस्ट मार्क्स, तो मिन फंक्शन का यूज करेंगे. ठीक है, सिलेक्ट मिन. ओके, एंड मिन फंक्शन में आप मार्क्स को पास करोगे फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट टेबल का नेम है ग्रुप बाय सिटी. ठीक है, ग्रुपिंग किसकी हेल्प से कर रहे हो आप, सिटी की हेल्प से. तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू द सिटी ग्रुपिंग हो जाएगी, आगरा आगरा, राइट, मुंबई मुंबई, लाइक दिस. और सिटी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स क्या हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द सिटी डिवाइड हो जाएंगे इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, राइट, और उनमें से आपके मिनिमम मार्क्स निकल के आ जाएंगे. ओके, नाउ डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट. आपको टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ पर बताने हैं. तो यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी मेल की एंड फीमेल की, राइट, फिर उनको काउंट करना पड़ेगा. तो आपने यहाँ पे किया सिलेक्ट जेंडर, जेंडर कॉलम आ जाएगा. काउंट जेंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट फंक्शन के अंदर आपने जेंडर कॉलम को पास किया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ये काउंट करेगा फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर. तो फर्स्ट क्या होगा, ग्रुपिंग होगी मेल की एंड फीमेल की, राइट, फिर क्या होगा, काउंट जेंडर क्या करेगा, नंबर ऑफ फीमेल एंड नंबर ऑफ मेल काउंट करके बता देगा अकॉर्डिंग टू द ग्रुप, राइट. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आर रिलेशन व्हीकल इज गिवन बिलो. आपको एक टेबल दिया गया है व्हीकल नेम से. ओके, टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है, राइट. एसक्यूएल कमांड टू, आपको एसक्यूएल कमांड लिखनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेरीज, राइट. डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल. आपको प्राइस का एवरेज प्राइस निकालना है, ठीक है, फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल. तो यहाँ पे आप ग्रुपिंग करोगे अकॉर्डिंग टू द टाइप. फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20. ओके, और आपको क्वांटिटी कंडीशन दी गई है कि वहां पे क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 20 से ज्यादा. तो आपको इस क्वेरी के अकॉर्डिंग अपनी कमांड लिखनी है, राइट. सिलेक्ट टाइप, आपने टाइप कॉलम दिया. एवरेज प्राइस, क्योंकि आपको प्राइस का एवरेज निकालना है फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल टेबल के अंदर. ग्रुप बाय टाइप, राइट, अकॉर्डिंग टू द टाइप आपको ग्रुपिंग करनी है. और कंडीशन क्या देनी है, हैविंग क्वांटिटी ग्रेटर देन 20. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेरी आपको अपनी कमांड लिखनी है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी क्या है, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी. आपको जो कंपनीज दी गई हैं, ओके, वो बतानी है कि मारुति ने कौन कौन सा व्हीकल मैन्युफैक्चर किया है, महिंद्रा ने कौन कौन सा व्हीकल मैन्युफैक्चर किया है, राइट. ओके, यहाँ पे आपको काउंट करना है वो, ठीक है, काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल. तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट कंपनी, आपने कंपनी कॉलम दिया, कंपनी कॉलम आएगा. काउंट डिस्टिंक्ट टाइप, अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट टाइप क्यों दिया गया है, मतलब मान लो यहाँ पे SUV टू टाइम्स आया तो वो एक ही बार आए, ठीक है. अगर एक कंपनी के लिए दो बार SUV आया तो काउंट सिर्फ एक बार हो. काउंट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल आपका टेबल का नेम है, ग्रुप बाय कंपनी, राइट. तो ग्रुपिंग हो जाएगी मारुति, अगर दो बार आया तो एक बार मारुति आ जाएगा, और मारुति जब आएगा तो मारुति की ग्रुपिंग होगी, तो उसमें मारुति के टाइप ऑफ व्हीकल्स की भी ग्रुपिंग होगी, ठीक है. और जब हमने क्या किया, टाइप को यहाँ पे काउंट कराया है, तो वहां पे मान लो यहाँ पे काउंट हो जाएगा 1 वैगन बनाया है मारुति ने, और मारुति ने क्या बनाया, SUV बनाया है. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मारुति ग्रुप के लिए आ जाएगा 2. ओके, राइट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की व्हीकल्स की काउंटिंग होके आ जाएगी. फाइन, डिस्प्ले द टोटल प्राइस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल. आपको क्या करना है, जितने भी व्हीकल्स हैं उनका टोटल प्राइस आपको डिस्प्ले कराना है. तो क्या होगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी. फाइन, तो सिलेक्ट टाइप, यहाँ पे टाइप आ जाएगा, सम,
ओके अब टोटल प्राइस करना है, तो टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, पहले आप क्या करोगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे और जो भी आएगा राइट व्हीकल्स का जो भी आएगा उसका आप सम कर दोगे, ठीक है। जैसे आपका एसयूवी एसयूवी का सम हो जाएगा, मिनी वैन का सम हो जाएगा, ओके फ्रॉम व्हीकल ग्रुप बाय टाइप राइट। अब देखो यहाँ पे जब हमने ग्रुप बाय टाइप लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रुपिंग हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द व्हीकल, लाइक वैगन जीप एसयूवी मिनी वैन इनकी अलग अलग ग्रुपिंग हो जाएगी, इनका प्राइस इनटू क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। अब प्राइस इनटू क्वांटिटी को का हमने सम फंक्शन में पास किया तो सम निकल के आ जाएगा, तो वैगन की टोटल जो आपका प्राइस है वो निकल के आ जाएगी राइट। जीप का टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा, एसयूवी का टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा, ओके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के रिलेटिव उसका प्राइस निकल के आ जाएगा, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन कास्ट टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये आपको कास्ट टेबल दी गई है, ओके आपको आंसर देने हैं इनके राइट। एसक्यूएल क्वेरी डेट विल गिव द आउटपुट एस राइट, आपको बताना है एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर ये आउटपुट आए राइट तो ये आउटपुट आपका क्या है, कलर का है, कलर का यहाँ पे करेक्टर्स दिए हुए हैं राइट, फर्स्ट थ्री करेक्टर्स दिए हुए हैं, तो आप क्या करोगे सिलेक्ट लेफ्ट, ओके इसके अंदर लेफ्ट फंक्शन के अंदर आपने कलर कॉलम को पास किया है और आपने थ्री पास किया है टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट थ्री करेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड राइट फ्रॉम कार्स, कार का नेम वेयर कलर इन। अब ये भी दिखाने देखो यहाँ पे हमारा ब्लू का आया हुआ है BLU ठीक है, BLA ब्लैक ठीक है, BRO ब्राउन ब्राउन का आया हुआ है एंड BLU ब्लू, तो ये तीनों कलर्स आए हुए हैं ठीक है। तो हमें ये भी बताने कि कलर कौन कौन से हों, वे कलर इन ठीक है, इनके अंदर हमने दिया है ब्लू ब्लैक एंड ब्राउन, ओके तो ये आपकी कमांड आपने लिख दी, सिलेक्ट लेफ्ट कलर कलर ओके थ्री करेक्टर्स आपके एक्सट्रैक्ट हो जाए फ्रॉम कार टेबल, वे कलर कौन कौन से हो, वे कलर इन ब्लू ब्लैक एंड ब्राउन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कमांड फॉर द फॉलोइंग, आपको कमांड लिखनी है टू चेंज द कलर ऑफ मॉडल विद द कोड 103, यहाँ पे 103 जो कोड दिया हुआ है राइट उस मॉडल का, ओके उस मॉडल का कलर आपको चेंज करना है, तो उस मॉडल का कलर यहाँ पे हमारे पास मस्टैंग है उसका कलर दिया हुआ है ब्राउन बट हमें क्या करना है ग्रीन फाइन, तो यहाँ पे आप अपडेट कमांड का यूज करोगे, अपडेट कार्स राइट, कार्स क्या है आपके टेबल का नेम, सेट कलर इक्वल्स टू ग्रीन, कलर आपने सेट कर दिया ग्रीन, वेयर कार आईडी इक्वल टू 103, जहां पे कार आईडी क्या है आपकी 103 है, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टपल्स आर प्रेजेंट इन द कार्स टेबल, तो ये पूछा कितनी टपल्स प्रेजेंट है, कितनी रोज प्रेजेंट है कार टेबल के अंदर, तो आप यहाँ पे काउंट करके दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 सिक्स टपल्स प्रेजेंट है कार टेबल के अंदर, ओके। ऑल्सो आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कॉलम ऑफ द कार्स टेबल टू मेक एज प्राइमरी की कॉलम, तो आपको और क्या बताना है कि आप कौन से कॉलम को प्राइमरी की कॉलम यहाँ बनाओगे, तो यहाँ पे कार आईडी को हम क्या बनाएंगे प्राइमरी की कॉलम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेक जो दिया हुआ है वो भी रिपीट हो सकता है, हो सकता है मॉडल भी रिपीट हो सकता है, लेकिन कार आईडी क्या है, कार का आईडी रिपीट नहीं होगा, तो हम उसको प्राइमरी की बनाएंगे, ओके। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन कार्स टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन राइट। अब आपको क्या करना है, आपको कमांड दी गई है, आपको इसका आउटपुट बताना है, सिलेक्ट मेक राइट, अब मेक दिया हुआ है आपने मेक कॉलम लिखा, मॉडल मॉडल कॉलम लिखा यहाँ पे, फ्रॉम कार वेयर प्राइस ग्रेटर देन 30,000, तो आपको मेक एंड मॉडल आप कॉलम्स लोगे, अब यहाँ पे प्राइस पे कंसंट्रेट करना है कि प्राइस क्या होना चाहिए 30,000 से अबव होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे 35 है ओके एंड 45 है ठीक है, और इसको देखोगे 35 एंड 45, तो यहाँ पे मेक इसका फोर्ड है एंड ये है मॉडल इसका मस्टैंग है ठीक है, एंड ऐसे ही इसका BMW है और इसका मॉडल क्या है X5 है, तो आपको सिंपली अकॉर्डिंग टू द क्वेरी क्या करना है अपना आउटपुट लिखना है, तो आप यहाँ पे इस टाइप से अपना आउटपुट लिख दोगे फाइन, देख के और टेबल को समझ के अपना आउटपुट लिखोगे फाइन। नाउ नेक्स्ट,
अब सेकंड क्या है, सिलेक्ट काउंट स्टार एज टोटल कार्स. अब देखो आपको टोटल कार्स हेडिंग लेनी है अपने कॉलम की, ठीक है. काउंट स्टार एज टोटल कार्स फ्रॉम कार्स वेयर ईयर इक्वल्स टू 2022. सबसे पहले तो हम कंडीशन फॉलो करेंगे कि ईयर कहाँ पर, यहाँ पे जो ईयर दिया गया है 2022 वो कहाँ है. तो यहाँ पे हमारा ईयर है 2022. अब यहाँ पे क्या करना है, 2022 यहाँ पर भी है, ठीक है. तो यहाँ पे काउंट स्टार, नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है टेबल की, ठीक है. और ठीक है, और यहाँ पे जो रिजल्ट है उसका नाम हम देंगे टोटल कार्स. नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है, और कौन सी रोज काउंट करनी है जहाँ पे ईयर क्या हो, 2022 हो. तो यहाँ पे हमारे पास दो ही रोज हैं जहाँ पे 2022 आया हुआ है. तो आप अपना सिंपली रिजल्ट में 2 लिख दोगे, फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन कार्स टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखो, सिलेक्ट कार आईडी, आपने कार आईडी ले लिया, कॉलम मेक, मेक को ले लिया, एंड मॉडल, मॉडल को ले लिया. फ्रॉम कार्स वेयर प्राइस इज स्मॉलर देन 22,000, जहाँ पे प्राइस क्या है 22,000 से छोटा है. तो 22,000 से छोटा सिर्फ यहाँ पे ये है, ठीक है. तो ये आपने ये देख लिया यहाँ पे. तो हम यहाँ पे हमें कार आईडी लेना है, कार आईडी हमने ले लिया 106. ओके, मेक यहाँ पे लेना है, तो यहाँ पे हमने वॉल्सवैगन ये ले लिया, एंड उसका मॉडल लेना है गोल्फ, वो हमने ले लिया. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेरी. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. सपोज यू ऑलरेडी हैव न्यूट्रिएंट्स टेबल इन द फूड डेटाबेस. आपके पास फूड डेटाबेस में न्यूट्रिएंट टेबल बनी हुई है एज डिस्क्राइब्ड बिलो. ये आपकी टेबल बनी हुई है. ओके, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क. टेबल बनी हुई है, अब आपको ये फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करने हैं. क्या, एड अ न्यू कॉलम, एक न्यू कॉलम ऐड करना है नेम्ड प्लान अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर डेट. और कॉलम का नाम ये है प्लान अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर डेट, और इसका डेटा टाइप डेट है टू द न्यूट्रिएंट्स टेबल. राइट, टेबल बन चुकी है. अब टेबल बनने के बाद हमें उसमें कॉलम ऐड करना होता है, तो हम ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करते हैं. तो सिंपली आप करोगे ऑल्टर टेबल न्यूट्रिएंट्स. ओके, न्यूट्रिएंट्स क्या है, टेबल का नेम. ऐड, आपको ऐड करना है न्यू कॉलम, ऐड. ओके, कॉलम का नाम एंड कॉलम का डेटा टाइप आपने दे दिया, सिंपल एंड सेमी कॉलम. राइट, नाउ सेकंड क्या करना है, मॉडिफाई द कैलरी कॉलम टू चेंज इस डेटा टाइप टू फ्लोट. अब यहाँ पे क्या है, इंट दे रखा है इसका डेटा टाइप कैलरी कॉलम का, लेकिन आपको इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना है. सिंपल, अगेन हम ऑल्टर टेबल का यूज करेंगे, ऑल्टर टेबल न्यूट्रिएंट्स. ओके, मॉडिफाई, मॉडिफाई होगा कैलरी फ्लोट. तो यहाँ पे कैलरी जो कॉलम था वो मॉडिफाई हो जाएगा. फर्स्ट वो पहले इंटीजर था, अब वो क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा. फाइन, ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज. आपको इनका आउटपुट निकालना है, ठीक है. सिलेक्ट इन स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग इसके अंदर आपने क्या किया है, एक आपने इसके अंदर स्ट्रिंग पास की हुई है. ओके, और यहाँ पे आपको फर्स्ट डॉट, जो फर्स्ट डॉट आया है राइट, उसकी क्या निकालनी है, पोजीशन निकालनी है, ठीक है. इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अक्रेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग. राइट, तो यहाँ पे देखो, ये आपकी स्ट्रिंग है एग्जाम @cbse.nic.in, ये आपकी स्ट्रिंग है. ओके, यहाँ पे डॉट आपकी क्या है, सब स्ट्रिंग है. तो आपको जो डॉट दी गई है, सब स्ट्रिंग दी गई है, उसकी आपको फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट अक्रेंस ऑफ पोजीशन, मतलब इस डॉट की पोजीशन बतानी है. सबसे पहले डॉट यहाँ पे आई है, राइट. तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन 11 है. अगर आप काउंट करोगे यहाँ से यहाँ तक तो वो 11 जाएगी. फाइन, ओके, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है. तो डॉट कौन सी पोजीशन पे है, 11 पोजीशन पर है. राइट, नाउ सिलेक्ट सब स्ट्रिंग. फाइन, अब आपको सब स्ट्रिंग निकालनी है. राइट, ये आपके पास स्ट्रिंग है. सेवेंथ पोजीशन से 4 कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, सेवेंथ पोजीशन से 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सी आपका सेवेंथ पोजीशन पे आया है, और आपको 4 कैरेक्टर इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आपका आ जाएगा CBSE. राइट, रिजल्ट आपका आ गया CBSE. फाइन, नाउ सिलेक्ट लेफ्ट. आपको लेफ्ट से 5 करेक्टर्स इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करके लिखने हैं, तो लेफ्ट से 5 करेक्टर EXAMS एग्जाम्स. तो ये आपका रिजल्ट आ गया एग्जाम्स. फाइन, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन.
मिस सोम्या इज वर्किंग ऑन अ MySQL टेबल नेम होटल हैविंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. ठीक है, ये टेबल का स्ट्रक्चर दिया गया है. She need to perform following task on the table. उनको टेबल पे कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं. Right? To fetch last two characters from the user ID column. Okay? Last के दो character extract करने हैं. तो last के character हम write function का use करके करेंगे. ठीक है? Select write. Okay? User ID column. उसमें हमने two pass कर दिया. To extract the last two character from the table name. Hotel. Hotel है आपके table का name. Fine? नेक्स्ट क्या है, टू डिस्प्ले द वैल्यूज ऑफ द नेम कॉलम इन लोअर केस. नेम कॉलम की वैल्यूज को लोअर केस में आपको डिस्प्ले कराना है. तो लोअर फंक्शन का यूज करोगे यहाँ पे. सिलेक्ट लोअर, लोअर के अंदर आप नेम कॉलम को पास करोगे फ्रॉम होटल. राइट, होटल क्या है आपका टेबल का नेम. ओके, नाउ थर्ड पार्ट, टू डिस्प्ले थ्री करेक्टर्स फ्रॉम थर्ड प्लेस. आपको थ्री करेक्टर्स डिस्प्ले कराने थर्ड पोजिशन से फ्रॉम द कॉलम सिटी, सिटी कॉलम में से. ठीक है, तो यहाँ पे आप मिड फंक्शन का भी यूज कर सकते हो, सब स्ट्रिंग का भी यूज कर सकते हो. राइट, आपने यहाँ पे यूज किया सिलेक्ट मिड, राइट, सिटी कॉलम. थर्ड पोजिशन से आपको थ्री करेक्टर्स इसके अंदर एक्सट्रेक्ट कराने हैं फ्रॉम द टेबल नेम. ये आपका टेबल का नेम आ गया. ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. While dealing with string data type in MySQL, it's observed that sometimes unnecessary space characters comes in between, which hampers the successful execution of a string manipulation module. Right? तो ये क्या कह रहा है कि बहुत बार हम observe करते हैं कि जब हम string के ऊपर काम कर रहे हैं तो unnecessary characters आ जाते हैं, space आ जाता है string के starting में या ending में. Okay? Name the suitable MySQL function to remove leading. तो आपको MySQL functions बताने हैं जो उसके leading, जो string से पहले space आया हुआ है, string के trailing में, string के बाद आया हुआ है, या फिर दोनों side में जो space आया हुआ है. Right? Also give MySQL queries to depict the same. राइट, आप क्वेरीज भी दे सकते हो. यहाँ पे आपको देनी है. राइट, तो यहाँ पे आपको पहले फंक्शंस का नेम बताना है. टू रिमूव द लीडिंग स्पेसेस करेक्टर्स, मतलब जो स्ट्रिंग से पहले आया हुआ है स्पेस, उसको रिमूव करने के लिए आप एल ट्रिम फंक्शन का यूज करोगे. राइट, जो स्ट्रिंग के लेफ्ट में आया हुआ है उसके लिए आप एल ट्रिम फंक्शन का यूज करोगे. जो स्ट्रिंग के बाद आया है, मीन्स राइट में आया है, उसके लिए आप आर ट्रिम फंक्शन का यूज करोगे. और अगर दोनों साइड स्पेस है तो उसके लिए आप ट्रिम फंक्शन का यूज करोगे. फाइन, और यहाँ पे आप देखो एक एग्जाम्पल आपने दिया, क्वेरी दिया सिलेक्ट एल ट्रिम हेलो. ठीक है, तो हेलो के जो लेफ्ट में स्पेस है वो क्या हो जाएगा, ट्रिम हो जाएगा. सिलेक्ट आर ट्रिम हेलो, तो हेलो के राइट वाला स्पेस ट्रिम हो जाएगा. ट्रिम मतलब वो हट जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा. एंड सिलेक्ट ट्रिम, अगर आपने ट्रिम फंक्शन का यूज किया है तो दोनों साइड में जो स्पेस है वो क्या हो जाएंगे, ट्रिम हो जाएंगे. फाइन, ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.